हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम हम लोग अभी 6 बजे उठ चुके हैं, लेकिन आने जाने वाले लोग बोल रहे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, नंबर नहीं लग रहे। लोग एक एक दो दो दिन से नंबर लगा रहे, फिर भी नंबर नहीं लग रहा है। तो देखते हैं अभी दर्शन किस तरह से होता है। अभी तो हम लोग जा रहे तालाब पे, जहाँ पे सब लोग नहाते। वो सीन तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि नहाते वहाँ पे सब लोग, लेकिन जाते जाते मैं आपको एरिया दिखाती हूँ। हम लोग अभी तालाब की ओर बढ़ रहे, तो आप लोगों को जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है, तो ये पहाड़ क्रॉस करके वहाँ पे देवी जी का मंदिर है, और उससे भी लगभग 1.5 किलोमीटर आगे तालाब है। हम लोगों को लगभग वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटा लग जाएगा। तो चलो मैं आपको पहाड़ क्रॉस करके दिखाती हूँ। लगभग सिर्फ आधा पहाड़ क्रॉस हुआ और आप लोग भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो भीड़ है ये सब तालाब की ओर जा रही, सब लोग नहा के फिर जाएंगे। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन आपको कैसे बताऊँ कि हम लोग चल रहे हैं ना, तो हम लोगों को ज़्यादा लग रही है। लगभग बहुत चल चुके हैं हम, तो एकदम तलब लग गई थी चाय की। चाय के बिना सवेरे की शुरुआत नहीं हो पाती है। आगे बहुत ज्यादा भीड़ है ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे चाय वगैरह पी लेते हैं। मेरा बिस्कुट यहीं पे रख दो, चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग हम लोगों ने पहाड़ क्रॉस ही कर लिया, और आप लोग ये देख सकते हो रोलर, क्या बोलते हैं इसको, रोपवे बोलते सॉरी। तो जो लोग डायरेक्टली आते हैं, जिनको पैदल नहीं चल पाते या फिर मंदिर पे नहीं पैदल जा पाते या फिर भीड़ के कारण बच्चे कुछ भी, तो रोपवे से जाते हैं या फिर कोई एंजॉयमेंट के लिए भी रोपवे से जाता है। लेकिन हम लोग पैदल आए तो पैदल ही जाएंगे। अभी आप लोगों को क्लियरली मंदिर दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत है। पहाड़ के बीच में, मतलब पहाड़ से सट के ये मंदिर है, तो ये आपको सीढ़ियों वाला रास्ता भी दिख रहा होगा जाने के लिए ऊपर। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जैसे माना जाता है इस मंदिर को। आप लोगों को ना अभी दूर से तालाब दिख रहा होगा, जो ये सामने टावर है वहीं पर ये तालाब है, और ये जो सामने तालाब है वहीं पे सब लोग नहाते। दूर से कोई प्रॉब्लम नहीं देखने में, लेकिन मैं नज़दीक से नहीं शूट कर पाऊंगी। आप लोग यहीं से देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। इधर हमारी मौसी जी है और चल रहे अभी हम लोग। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत टाइम लगेगा, तो पहले कुछ नाश्ता करते है फिर चलते। अभी हम लोग मंदिर की ओर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को सामने सीढ़ियाँ दिख रही, वहाँ तक जाने में लगभग 1.5-2 घंटा लग जाएगा। और ये झंडा है ध्वज, आप लोगों को दिख रहा होगा कितना बड़ा है। ऐसे ध्वज आते हैं यहाँ पे, माता जी के यहाँ लगाए जाते हैं। लाइन की शुरुआत यहीं से हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत हद से ज्यादा पब्लिक है, लगभग 4-5 घंटे लगने वाले हम लोगों को लाइन में लगे हुए, पूरी पब्लिक ही पब्लिक के पीछे। अभी हम लोग सीढ़ियों वाले रास्ते पे लग चुके चढ़ने के लिए, और पीछे आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ कितनी ज्यादा भीड़ है पीछे, और ये गेट के उस पर दूसरी लाइन है। अरे ब्लॉग है।
फाइनली दर्शन कंप्लीट। अभी हम लोग जा रहे नीचे, मेरे हाथ एकदम मस्त हो गए ना, तो नीचे उतर के अभी चलते कुछ आराम करेंगे फिर घर पे जाएंगे। शहर छोड़ जाऊंगा मैं तेरा, शहर छोड़ जाऊंगा मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। इससे भी हम लोग निकल चुके हैं और मैंने मेरे भाई के लिए ये लिया क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दिया था कि मुझे यही वाला ट्रक चाहिए। तो ठीक है चलो चलते अभी बस ढूंढते। घर पे तो आ चुकी हूँ लेकिन मैं बस में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस दो जगह खराब हो गई, तीसरी जगह डायरेक्ट बंद हो गई। वहां से हम लोगों को दूसरी बस पकड़नी पड़ी, वो भी पूरी फुल थी। क्या बताओ, ये देखो मेरे हाथ में अभी भी निशाने, बहुत ज्यादा घाव लग गया था बस में चढ़ते समय, एकदम हालत इतनी खराब हो गई थी। मतलब जितना मैंने पैदल चल के नहीं थकी उससे ज्यादा तो आने में थक गई, मुझे ऐसा लग रहा। अभी थोड़ा फ्रेश होती हूँ, मम्मी ने खाना बना के रखा है